हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अर्थगंगा परियोजना व सुपरवाइजरी समिति के संबंध में एक बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी को बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन पीएल शाह ने अर्थगंगा परियोजना पर सुपरवाइजरी समिति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी से अर्थगंगा परियोजना की दृष्टि से जनपद हरिद्वार के धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी होने की वजह से फूलों की खेती को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जानकारी ली। तो मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराणी ने बताया कि जनपद में फूलों की मांग होने के कारण इसी की खेती को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिकारियों ने ये भी बताया कि मशरूम, स्ट्रॉबेरी आदि ऐसी फसलों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिनसे उत्पादनकर्ता को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। चारधाम यात्रा की दृष्टि कर सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि लगभग सड़कों को गड्ढा मुक्त करा दिया गया है।